जिंदगी में कभी कभी खून के रिश्ते से भी बढ़कर नए रिश्ते बनते हैं, जहां लव और सेक्रीफाइस दोनों करने पड़ते हैं। उनका बॉन्ड अनब्रेकेबल बॉन्ड होता है जो कभी नहीं टूटता। ये ड्रामा उसी को पोर्ट्रेयल करता है। स्टोरी में तीन यूथ है, लिंग शाओ, ही जी शुए एंड ली जियान। इन तीनों की फैमिली इनकम्प्लीट है। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है, ये तीनों अप्स एंड डाउन्स के बाद एक फैमिली बनी जाते हैं और सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, लिंग शाओ और ही जी क्वे को अपनी ओरिजिनल फैमिली के पास ली जियान को छोड़ के जाना पड़ता है। 9 ईयर्स के बाद जब वो सभी वापस मिलते हैं, उन सभी के पास्ट उन्हें परेशान करते हैं, बट क्या वो अब अपनी लाइफ बेटर कर पाएंगे। साथ में ये भी दिखाया जाता है कि पेरेंट्स कभी कभी इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं, और यही सीरीज में हिट करेगा। गो अहेड एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड टाइप का ड्रामा है, जहाँ ह्यूमैनिटी दिखेगी, जहाँ हैप्पी और सैड मोमेंट के साथ फनी मोमेंट्स भी हैं, जो इमोशन के साथ सेंटिमेंटल फील भी देगा, जिससे कनेक्ट किया जा सकता है। ट्रेजेडी हर किसी के लाइफ में आती है। एज अ फैमिली तीनों एक दूसरे की खुशी के लिए सेक्रीफाइस भी करने लग जाते हैं। इट्स कमेंडेबल। ये ड्रामा जेन्युइन लाइफ एक्सपीरियंस कराएगा, जहाँ पता चलेगा कि एक डिसीजन लाइफ पे कितना इम्पैक्ट करता है। आई अप्रिशिएट दिस ड्रामा, जहाँ ब्लड रिलेशन को इम्पोर्टेंट ना रख के वर्च्यू को वैल्यू किया। सारे इमोशंस है यहाँ, लव, पेशेंस, शेयरिंग, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी, करेज, स्ट्रगल्स, इंडिफरेंस, सेल्फ एस्टीम, फियर, अबैंडनमेंट, अडॉप्शन, चीयरफुलनेस एंड डिप्रेशन, जिससे स्टोरी रियलिस्टिक, रिलेटेबल और इंस्पायरिंग बनती है। स्टोरी में हर्ट कैप्चर करने वाले मोमेंट भी है, जो हमें सिखाते हैं कि जो भी हमारे पास है, हम उसी की वैल्यू नहीं करते, हम उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप अलग ही इंसान बनते हो। ट्रू सेल्फ का पता ही नहीं चलता कि आप एग्जैक्टली थे क्या। यानी गलती करना आसान है, बट उस गलती को सुधारना मुश्किल। बट अगर हम खुद को गिल्टी मानते हैं, तो देयर विल बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर मिस्टेक, बट वो हर कोई नहीं कर पाता। ये सीरीज यही रियलिटी चेक कराएगी कि व्हाट लाइफ इज एक्चुअली लाइक। व्हाट आई लव इन दिस ड्रामा, नो सिली मिसअंडरस्टैंडिंग, नो अननेसेसरी ब्रेकअप। स्टोरी वेल रिटन और वेल एग्जीक्यूटेड है, जो फैमिली में फैमिली मेंबर्स की वैल्यू करना सिखाएगा। इन शॉर्ट, इट्स अ जेम और यूनिकॉर्न ड्रामा। सॉन्ग वाई लॉन्ग एज लिंग शाओ पोर्ट्रेल द ओल्डेस्ट, हैंडसम, जेंटल एंड लैक्स नथिंग। स्टोरी में एक्सपीरियंस ऑफुल इंसिडेंट है, जिससे उसे नाइटमेयर भी आते हैं। रीजनेबल डिसीजन लेता है, अपनी एज से जल्दी बड़ा हो गया, जिस पे डिपेंड किया जा सकता है, अ बॉय येट अ मैन। जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है, ही इज वीक एंड हर्ट, हिज एक्सप्रेशन इज हार्ट रेचिंग। ही इज इक्वे एज जांग शिनचैंग ने इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। ही इज सच अ बेबी, उसकी मदर उसे छोड़ के चली गई, उसके फॉस्टर डैड उसे अपनाते हैं। ही इज सेंसिबल, जो अपनी फैमिली को पहले रखता है। ली जियान जियान एज तान सोंग यून, जो एक टॉमबॉय की तरह रहती है, उसके दो अडॉप्टेड ब्रदर पैम्पर करते हैं। शी इज काइंड, टैक्टफुल एंड कंपैशनेट। हर एक्टिंग इज स्पीचलेस, टॉमबॉय टू मैच्योर गर्ल, एक्टिंग इज ऑसम, शी इज वर्सटाइल एक्ट्रेस। सीरीज में सभी की एक्टिंग इज फुल टॉप नॉच, कोई कमी नहीं लगती। इन शॉर्ट, वक्त बीतता जाता है, हम बड़े होते हैं, पेरेंट्स भी बनते हैं, ओल्ड भी होते हैं। ये लाइफ का सर्कल है जो कंटिन्यू रहता है। अगर कोई फैमिली में गिरता है, तो हम उनके लिए साथ रहें, इसलिए नहीं कि वो ना गिरे, बल्कि इसलिए जब भी वो गिरे, हम हमेशा वही रहेंगे उन्हें उठाने के लिए। ये सीरीज दिल को छूने वाला फैमिली ड्रामा है। माय रिमार्क्स, इटर्नल बॉन्ड, अ ग्रिपिंग सागा ऑफ अनब्रेकेबल लव, सैक्रिफाइस एंड द पावर ऑफ फैमिली, वेयर एवरी फॉल लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर एम्ब्रेस। आफ्टर वॉचिंग दिस ड्रामा, हियर इज माय रिकमेंडेशंस।